साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। वही पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए। एक सौ 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दशक में एमबीबीएस की सीटों में दोगुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण, पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है। मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत में घरेलू टूरिस्ट की संख्या के साथ ही भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। आज दुनिया भारत के को देखना और जानना चाहती है। इसके अलावा शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है। जगह जगह एयरपोर्ट बनने से भी बहुत फायदा हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रही है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है। वही दुनिया भी भारत में हेरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। पांच करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। उन्नीस लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। मेरी सरकार भारत को मीटिंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है। इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में टूरिज्म रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। माननीय सदस्यगण, देश की युवा शक्ति को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए हम स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मेरी सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व मदद दी है। आज भारत एक बहुत बड़ी खेल शक्ति बनने को की ओर अग्रसर हो रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी बोल दे रहे हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देश में हमने दर्जनों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए हैं। इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में चुनने का अवसर युवाओं को मिलेगा। खेल उपकरण से जुड़ी इंडस्ट्री को भी हर प्रकार की मदद दी जा रही है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया। देश के युवाओं में कर्तव्य बोध और सेवा भाव का विस्तार करने के लिए मेरा युवा भारत संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माननीय सदस्यगण, संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई